तो भाइयों तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बर्थडे बर्थडे की तैयारियां चल रही है यहाँ पे। जिसकी भी एचआर हो कल नेगोशिएट करो, टैग करो अपने अपने एचआर को टैग करो। तुम लोग देख सकते हो बीच रोड पे क्या चल रहा है। सो प्लान ऐसा है यार, इस डिग्गी को हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट करने का सोच रहे क्योंकि आंचल का बर्थडे है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। ये तुम्हारे भाई ने अकेले देखो कितने फुग्गे फुला डाले हैं। बहुत लोगों ने मिल के करवाए, मैंने अकेले किया भाई। ये मेरी खुद की मेहनत है। कोई वीडियो बनी, कोई कुछ हुआ, प्रूफ दिखाओ। गाइस अभी दिया है मैंने, क्योंकि अभी कैमरा लिया है मैंने अपने हाथ में। अरे हो गए, बहुत हो गए इतने तो। टाइम नहीं है ना, टाइम का शॉर्टेज अपने पास। सो भाइयों तुम लोग देख सकते हो हैप्पी बर्थडे का भी पूरा सिनेरियो बन रहा है। बड़ी मेहनत हो रही है, सबसे मेहनती काम आप ही कर रही हैं, सबसे मेहनत वाला काम है आपका। यहाँ जबड़ा दर्द हो गया है फुग्गा फुला फुला के। भाई ये हमारी प्री बर्थडे कुछ तैयारियाँ तुम लोग देख सकते हो। हेलो हेलो हेलो, प्री बर्थडे बैश भी चालू हो चुके हैं गाइस। तो लाल वेलवेट, लाल वेलवेट गाइस, लाल वेलवेट खाली डब्बा यही रख देना बहन, यही रख दे भाई, यही। सो दिस इज द केक। अभी तो बहुत बड़ा पोपट होता है, अभी मोए मोए हो जाता सबका। चलो डब्बा उठा के पहले खिलाओ वहां पे। अच्छा ये हैप्पी बर्थडे वाले बैलून थोड़ा बाहर की तरफ हम रख देते हैं। भाइयों ये हमारी तैयारी, अब सिर्फ बर्थडे गर्ल का वेट हो रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट हो गया यार, 12 बज गए। तो गाइस बर्थडे गर्ल आ चुकी है। बर्थडे टू यू। अरे ले गाड़ी की सफाई होगी। चलो लेट्स कट द केक। बलून्स फोड़ लो तुम। चलो हाँ शुरू हो जाओ। वो भी लगी हुई Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. God bless you. May God. तो भाइयों फाइनली हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके निकल चुके हैं, और ये घड़ी में कंपास क्यों दिखा रहा है यार? वेट
सो तुम लोग टाइम देख सकते हो अराउंड 12:45 AM इन द नाइट एंड काफ़ी अच्छा था यार एक्सपीरियंस, मतलब पहली बार बहुत लोगों से मिला मैंने और ओवरऑल दे आर वेलकमिंग, अच्छा लगा नए लोगों से इंटरेक्ट करके, सब भाभी के अपने लोग थे। कैसा लगा भाभी आपको लोगों से मिल के? बहुत मजा आया है। मैसेज फॉर द बर्थडे गर्ल, लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। राधे 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 राधे। तो चलते हाँ, रुक जाइए लाइट जलाओ भाई। हाँ कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे तू आज। हाँ सो आप निकलते हैं घर की तरफ यार। सो भाइयों अभी हम लोगों को यहाँ पे सांप दिखा था, ढूंढने की पानी पी रहा था। दिन की शुरुआत हो रही है रेस्टोरेंट स्टाइल फूड गरम करने से। दूसरा मैं यार क्या बताऊँ मैं क्या खा रहा था, मैं ये वाले नमक वाले बादाम खा रहा था जिनको खा के मेरे चेहरे पे एक दो दाना भी हो गया मुझे लग रहा है, बहुत गर्म हो गए। और इतनी सारी मिठाई रखी है तो मैंने खाया थोड़ा सा पतीसा। और तुम लोग देख सकते हो अब चलना है अपने को कानपुर आज, तो सारा चीज़ सिस्टम पैक हो रहा है। पतले लग रहे हो यार। तो गाइस हमारे घर में अपने आप को कोई भी मोटा मानता ही नहीं है, सब मेंटेलिटी का गेम है। तुम लोग भी अपने आप को फिट मानो, कूद जाओ भाइयों। दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट कम लंच विच इज कॉल्ड ब्रंच, दाल मखनी पनीर की बेस्ट वर्जन जो भी कह लो। उधर तुम लोग देख सकते हो एक चीज़ और, चाय और तंदूरी रोटियां। कैसे बहुत पतले हो इसलिए खा रहे हो? तो चला जाए यार, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रंच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, पैकिंग करेंगे और फिर हम लोगों को निकलना है कानपुर की तरफ। सो भाइयों वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू लीव फॉर कानपुर, सारी चीज़ें अपने फाइनल स्टेजेस में हैं, बस मैं गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं गाड़ी धरा के लगा सकूँ और अब ये सब सामान जो है वापस हो। और तुम आप देख सकते हो कि तुम्हारे भाई ने रात वाला या कह लो कि किसी व्लॉग में तो देखा होगा वही कपड़ा रिपीट करें, क्योंकि यार पूरा दिन ट्रेवल करना है, यहाँ जाएंगे कानपुर तो कोई मतलब नहीं है नई शर्ट बर्बाद की जाए। और इस शर्ट में अभी तक एक सिंगल दाग या स्मेल नहीं है, सो बॉयज़ विल बेटर रिलेट विथ मी कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है फिर बदलने की और चलने दो काम। तो चलने देते हैं काम, गाड़ी की चाबी देखता हूँ मैं एक बार कहाँ है और ये रही मिल गई। और गाड़ी थोड़ा सा लगाते हैं, गाड़ी गंदी बहुत हो रखी है, मेरा धोने का तो मन था लेकिन पानी नहीं आ रहा। और बाबूजी को देखो, बाबूजी फॉलो कर रहे हैं। तो ये है भाइयों गाड़ी की हालत, तुम लोग देख सकते हो बहुत ही गंदी हो रखी है यार, ये सफाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कैसे होगी पता नहीं। सो भाइयों फाइनली वी आर रेडी एंड लीविंग फॉर कानपुर। तुम लोग देख सकते हो गाड़ी एकदम फुल पेटी पैक हो गई है, भैया मम्मी भाभी और सब चीज़ लॉक हो गई है। गाड़ी में तुम लोगों को दिखाता हूँ, सेडान फॉर अ रीज़न, ये तो है। खैर इको स्पोर्ट में भी इतनी जगह आ ही जाती, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ पाती। क्यों हाँ इतना सामान नहीं आता, लंबी है यार नहीं उसकी, वो हटा दो ट्रे था तब भी नहीं आएगा, शीशा ही ढक जाएगा ट्रे टाइम से ही होगा बस और क्या। हाँ ये तो है। तो भाइयों फाइनली नाउ अब हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा दूध वूध बचा था, मिठाइयाँ वो हमने बच्चों के साथ जो तुम लोग देखे थे होली में जिनको शेर प्रताड़ित कर रहा था वो सब हो गया है, सब कुछ करा लिया है और गार्डन में पाइप खोल दिए, थोड़ा भी फैला देते हैं। ये वाली पाइप हमारी है बट हमने दान दे दी है क्योंकि सोसाइटी थोड़ी कंजूस है, हमारी पाइप नहीं लगवा पा रहे लोग। मम्मी वो हनुमान जी वाला टीका ठीक है, इसमें लग गया ठीक है। हाँ सो गाइस कैमरा चालू हो गया है, हर चीज़ हो गई है, लॉक हो रहा है फाइनल। और आज यार यहाँ पे आया था सांप, लेकिन बस दिक्कत ये हुई दोस्तों कि इस पाइप को खींच के मैं कर देता हूँ। नहीं खुला, खुले रहने तो अपना जाएगा, घर के सामने ग्रीनरी बनी रहेगी। बाय
तो चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। बैठो तो भाइयों, पापा का सीसीटीवी में देख के मैसेज आ गया हैप्पी जर्नी का, और अब चलते हैं बच्चों को देखो, बाय बाय बाय। तो भाइयों फाइनली आ चुके हम लोग उन्नाव की क्रॉसिंग पर। ये रास्ता जाएगा सीधा गंगा बैराज, और तुम लोग देख सकते हो उधर से आ रही ट्रेन। अरे ताऊ पूरा तो देखो एकदम, इससे बताओ क्या है कोयला। सो भाइयों, वे फाइनली रीच्ड गंगा बैराज, और तुम लोग देख सकते हो ये फेमस कानपुर का गंगा बैराज इलाका है, और ये है गंगा मैया के दर्शन करो, अपने पापों आप धो लो। तुम लोगों को मैं कितना ख्याल रखता हूँ, मैं ना हूँ तो तुम लोगों का पाप पुण्य कैसे होगा बराबर, लोग देख सकते हो। रात में काफ़ी जगमग होता है यार, और मेरे आज तक की थ्योरी समझ में नहीं आई है कि कानपुर वाले इतना ऑब्सेस क्यों है गंगा बैराज से। अभी यहाँ पे चिलचिलाती जून वून की भी गर्मी में तुम लोग देखो जैसे अभी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, धूप में खड़े हो के खाएंगे। और पहले कुछ भैया लोग कूद जाते थे, तो अब ये ऊपर बैरिकेडिंग भी लग गई है, बट मरने वाले को कौन रोक सकता है, कोई ना कोई तरीका वो निकाल ही लेंगे। और हम लोग घर ऑलमोस्ट आ गए हैं 10 मिनट में, चलेंगे, मम्मी कह रही है चाय पिलाएंगी। तो भाइयों जैसे तुम लोग देख सकते हो आ चुके हम लोग कानपुर, पहुंच गए थे, फिर मैं सो गया था 2 घंटे। और जो ये शक्ल तुम लोग देख रहे हो, दाढ़ी वाड़ी बिना बने आदि मानव वाली, भाइयों पहली बात तो माफी, जा रहा हूँ मैं बनवा रहा हूँ, और ना बनवाने का सिंपल रीजन था जहाँ मैं अभी तक था इस हफ्ते, मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्वार्टर एंड के चक्कर में, ऑफिस के कामों के चक्कर में, मैं अपने ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान दे पाऊँ, जा रहा हूँ आज फिर स्मार्ट हैंडसम बन के लौटूंगा। और ये देखो आम आ गए, तो बढ़िया अचार खाने को मिलेगा, पूरा एकदम आम लगा हुआ है।